यूट्यूब में क्या आ रहा है? यूट्यूब देखो। मैं जाती ले खोल दो। मैंने खोलती डाल तो मैंने खोल क्या खोल दो डाल तो थोड़ी सी देर थोड़ी सी देख खोल दो। क्या करो आप इसका? मैं क्या देखो आप इसमें? क्या देखो इसमें? मतलब भैया ले भैया ले रहा भैया वीट देखो फोन के मारो रोस रही है लड़की इनंदो स्कूल में। चलो जाओ चलो जल्दी। देखिए धूप कितनी क्या निकाल रही है। तो दोनों बहन भाई देखे यहाँ से देख रहे हैं फोन। यहाँ भी फैन चला दिया इन्होंने हर बार भी। इब देखिए यहाँ पर देख लिया फोन दीदी यहाँ से देख लिया फोन। देखिए फ्रेंड्स में दूध गर्म कर रही हूँ गगन के लिए कि वो सुबह को नाश्ता नहीं करता ना चाय पीता ना ही कुछ खाता जैसा रोटी है परांठे हैं तो इसलिए इसे दूध दे देती हूँ सुबह काली पे। तो दूध पी लेता है वो एक गिलास बस वो कुछ नहीं दोपहर लो ऐसे ही रहता है। तो अपने भैया के साथ लड़ रही है क्या लाई फोन दिखा दो मुझे। इब चलना है मुझे दूध लेके यहाँ पर दूध देना है। देखिए अभी देख दिखाती हूँ आपको दोनों बहन भाई कैसे कर रहे हैं। देखिए क्या देखो नंदू आप मनकी दिखा रहे आपको? मन की नहीं दिखा रहा इसे। देखिए देख कैसा कर रहे है। मैं नहीं चलाती पंखा क्या चलाओ आप। हेलो जी राम राम जी कैसे हो आप सब आई हो आप सब अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो देखिए सुबह का टाइम है मैंने नाश्ता पानी भी सबके लिए करवा दिया है। तो एक करना है मुझे झाड़ू इस कमरे में इस रूम में मैंने साफ सफाई कर दिया है। देखिए आप देखिए तो इब करनी है मुझे बाहर की सफाई बाहर भी करनी है। मैंने बाहर भी काम निपटा दिया है। देखिए साफ सफाई भी कर दिया मैंने यहाँ पर इस रूम की भी साफ सफाई कर दिया है। ये देखिए जी मैंने भी जो है ट्राई करी है रेलिंग की जो रेलिंग करवाई थी इसकी और इस दीवार की तरह की है पानी की रहा इस पर ब्रेक वाले पाइप से। और आज ये दूर काम रह गया था ना आज ये पूरा जाएगा कंप्लीट और उसके बाद फिर चलेंगे मल्टी पर। मल्टी पर भी जो है वो लगनी है रेलिंग। ईट डो रहे हैं जी जा रहे तब ने डो दिया है अब आ गए हैं ईट का नंबर मुझे वाली उठानी है। अंकित आ चुका है वो उठवा देगा फिर अंकित को वो उठवा देगा ईट हमने चढ़ा दिया ऊपर देख सकते हैं आप तसलों से चढ़ा दिया मैंने अर्जुन ने और अंकित ने और मामा जी ने भी वहाँ पर खड़े कर दिए हैं। देखिए अभी जो है नाश्ता पानी हमने किया है नाश्ता पानी हमारा हो चुका है। मैं तो घर ही गया था अंकित ने और मिस्टर जी ने चाय पी है और अर्जुन भाई ने तो मसाला अर्जुन ने बना रखा है। ईंटें हमने चढ़ा दी है और नीचे आ गया ट्रैक्टर ट्रैक्टर आ चुका है उस पर रेलिंग भी आ चुकी है इधर कर तो उसमें जो है मलबा भरना है तो रेलिंग चलते हैं लेने के लिए नीचे। पापा जी आ रहे हैं आ ले ये देखिए राज चाचा ने ये मलबा निकाल रखा बाहर
ये रात मलवा छंटा उन्होंने, देखिए थोड़े रहेगा। और रेलिंग आ चुकी है हमारी मकड़ी वहाँ पर, ये वाली सेकंड लास्ट रेलिंग बनी जी बस, इसके बाद एक लास्ट रेलिंग रह जाएगी वो यहीं पर आगे बनेगी। चलो रेलिंग चलाते हैं। रेलिंग ले आऊँ देखे ऊपर, तीनों मिलके लाए तीनों, चलो योगेश अच्छा जी मैं अंकित अर्जुन भाई, तो रेलिंग ले आए हैं, साफ सफाई कल कर दी यहाँ की, जो मलबा है ये भी जठाएंगे यहाँ से, चार पाँच तहसील हो जाएंगे ज़्यादा ही। सुबह इनकी जो तराई कर दी थी मैंने, ये देखिए गिल्ली हो रही है अब तक, ये चाचा जी ने जो है ये देखिए मलबा भरना शुरू कर दिया है, दो तहसले भर दिए हैं, एक अर्जुन ले गया अब मैं ले जाऊँगा। और अंकित जी अब जो मिस्त्री जी के पास लग चुका है, योगी चाचा जी मिस्त्री जी के पास ही, तो वहाँ पर लग रहे हैं। तीन तहसील जा चुके हैं और एक तहसील रहेगा बस। गलती करी सारी इस पता ही लानी थी, बहुत ईंट बचती जिस पर आती हो यहाँ पर चल रही थी ईंटों की बातें, क्योंकि हम तीन बट्टे से ईंट ला चुके हैं और जो तीसरे बट्टे की ईंट लाए ना वह जो है एक डेढ़ इंच फालतू ईंट है, लंबी ईंट है। चाचा जी बोल रहे हैं इसी भट्टे सारी ईंटें लानी थी हमें, साफ सफाई लगा दें प्रकृति पर देखे पूरी सफाई हो चुकी है, जो जो है कूड़ा कट कट कुछ इधर खड़ा पन्नी पुन्नी से आए हैं। ये देखिए ट्रैक्टर पर कितना मलबा आ चुका है, टोले पीछे ये वाला मलबा ठना है, ऊपर ही साफ सफाई हो चुकी है बिल्कुल, अभी दिखाऊंगा बाद में। और यहाँ से मलबा उठाना है, ये भी हमारा ही पड़ा है मलबा यहाँ से, जब ईंटें साफ हुई थी ये भी उठाना है। ठीक है जी। और यहाँ पर एक भगत जाए थे माड़ी वाले, बोले थे भाई पत्थर पुत्थर सारा लगवा लिए, मैं कह लगा ठीक है जी। कल परसों हमारी गांव में जो है माड़ी पर जागरण है, फिर भंडारा है, तो आपको वहाँ के भी दर्शन कराऊंगा जारी गोगा जी महाराज जी के। तो अब जो है हमारा काम जो है लावे लग चुका है, तो साफ सफाई भी ज़रूरी है, जितना काम निबट जाए उतना ही अच्छा होता है। हमारी वजह से जहाँ कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ था, मलबा का इकट्ठा हुआ था, आज उसको हम भर रहे हैं। तो दो तीन जगह है, एक तो यहाँ पर है, एक दूसरी जगह और है जो भी आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में, थोड़ा सा आगे चलकर वीडियो में। और घर के भी जो है ऊपर दोनों छत की लेंटर की जो है वहाँ की भी साफ सफाई कर दिया हमने, वहाँ पर जितना मलबा था सारा उन्होंने ट्रैक्टर में भर दिया है उग्गी में। ऊपर का घर भी जो है प्रगति पर देख सकते हैं आप, ऊपर चिना चल रही है, रेलिंग खड़ी हो गई थी रात हमारी, अब बराबर वाली बाउंड्री हो रही है। इधर से जो है मलबा उठाना शुरू कर दिया हमने, ये देखिए आठ दस तल से उठा दिया हमने, और बुग्गी यहाँ पर खड़ी कर दिया, यहाँ पर डाल दिया है। काम ठीक चल रहा होगा, एक नंबर का तभी तो दो नंबर के, यहाँ तो सारे एक नंबर के ही हैं। ये देखिए जी कितनी साफ सफाई यहाँ पर हो चुकी है, कल से लग रहा हूँ मैं चाचा जी साथ योगेश संजय जी अर्जुन अंकित गगन सब लगे हुए हैं यहाँ पर, पापा जी लग जाते हैं, साफ सफाई पूरी हो चुकी है यहाँ की देखिए। और नीचे मलबा जो है हमने भर दिया था ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर जा रहा है वहाँ से, ऊपर रोड़ी गिरने के लिए आया था मैं, रोड़ी मैंने डाल दिया, ट्रैक्टर भर चुका था, वो 11:30 बज चुके हैं, थोड़ा आराम करते हैं फिर इतना ट्रैक्टर गिर के आ जाएंगे। और देखे सामने वाले बादल जी कितने अच्छे लग रहे हैं,
ये देखिए मम्मा जी ने कितना काम कर दिया यहाँ से। मम्मा जी क्या चल रहा काम? ट्रैक्टर हमारा जा चुका है ऊपर वाले नीचे आ गए, नीचे वाले ऊपर जा लिया। रेलिंग फिट फोर हो चुका है बिल्कुल। कितना अच्छा मौसम हो रहा है जी, ठंडी ठंडी हवा, सुपर वाली हवा और बादल तो एक नंबर के। कहना मम्मा जी का एक नंबर के बादल है मम्मा जी, ये देखो बादल। तुम 3:30 बज चुके हैं जी और लंच ब्रेक के बाद जो यहाँ पर दोबारा मसाला बनना है जी। ये यहाँ पर जो है रसोई है ना, इधर जो है कितनी गहराई है तो इस गहराई को रोकने के लिए यानी कि यहाँ पर जिन्ना बनाएंगे, तीन चार पैड़ी बने यहाँ पर, तीन बनाए चार बनो तो इधर उतरने के लिए तीन पैड़ियाँ बनाएंगे मिस्त्री जी। रेलिंग का काम इधर जो है समाप्त हो चुका है बिल्कुल। ये दो रेलिंग है, ये ऊपर मंटी की है और एक रेलिंग उधर खड़ी है और एक रेलिंग जो है यहीं पर आके बनेगी, और रोड यहीं पर लग जाएंगे। साफ़ सफाई सुबह अच्छे से कर दीजिए, साफ सफाई देंगे। पैड़ी बनाने शुरू कर दिए मामा जी ने, देखे जिन्ने वाली तीन पैड़ी बनेंगे मामा जी, तीन पैड़ी बनेंगे वहाँ, मैं तो कह रही थी 2-3 दिन में उड़ा लेते, कुछ भी नहीं हुआ था। और रात में जैसे कि आपने कहते हैं कि मुझे घर के सारे सरफ साबुन बर्तन धोने की साबुन उज्जवल वगैरह जो भी है कपड़े धोने का, हाथ धोने का डल साबुन संतूर लक्स डेटोल वगैरह सब दे दिया, सबसे नहा लूंगा। मैं उतरा होगा, मैं कह तो रही थी बाथरूम में नहीं रखे थे सर जी ने लक्स से आपको नहीं बोल रहे